स्वास्थ्य मंत्री सिद्धार्थनाथ सिंह ने जिला अस्पताल का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान उन्होंने मीडिया से बात करते हुए बताया कि प्रयास किया जा रहा है कि पहले से बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं हुई हैं। पहले बिल्डिंग नहीं थी, अब बिल्डिंग बनकर तैयार हो गई है। एम्बुलेंस की संख्या भी बढ़ाई गई है। इसके साथ ही उन्होंने यह भी आश्वासन दिया कि 1 से 2 साल के बाद लोगों को इलाज के लिए जिले से बाहर वाराणसी नहीं जाना पड़ेगा। इसके साथ ही उन्होंने बताया कि ट्रामा सेंटर और बर्न यूनिट को भी शीघ्र ही शुरू कराया जाएगा। वहीं चमकी बुखार को लेकर उन्होंने बताया कि इस क्षेत्र में इसका प्रकोप नहीं पाया गया है, फिर भी सतर्कता के तौर पर इसकी तैयारी पूरी कर ली गई है और 12 विभाग मिलकर 1 जुलाई से संचारी रोग के रोकथाम के लिए अभियान चलाया जाएगा। देखते होंगे क्या है और अब क्या है। पहले आपको ये बिल्डिंग नहीं दिखती थी, 200 बेड की, MCH नहीं दिखता था मदर एंड चाइल्ड का, वो अब तैयार हो गया है। आपको और एम्बुलेंसेज आ चुकी हैं। आपके जो अभी पुराना भी चल रहा है उसके अंदर भी व्यवस्था थोड़ी उसको भी सुदृढ़ किया है। तो नई चीज़ें कर रहे हैं। अब आने वाले समय में आप देखेंगे 1-2 साल के अंदर जो सोनभद्र है वहाँ के यहाँ के लोगों को किसी को बनारस जाने या BHU जाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। 4 साल से हम लोग सर यहाँ की बिल्डिंग देख रहे हैं, ट्रामा सेंटर है, बर्न यूनिट है, लेकिन मेरे को नहीं पता। आप 4 साल से तो किसी की सरकार जरूर देख रहे हैं, हम अपनी 2 साल की बात कर रहे हैं। तो सर क्या वो ट्रामा सेंटर और जो बर्न यूनिट है उसको कब संचालित किया जा सकता है? उसके लिए भी कर रहे हैं। आप थोड़ा सा इंतज़ार रखिए और आप देख ही रहे हैं यहाँ पर विकास हो रहा है, जो स्वास्थ्य सेवाएं वो और बेहतर करी जा रही हैं। थोड़ा सा इंतज़ार करें, वो भी आएगा। सर पहले भ्रमण में आपने कहा था कि यहाँ पे मेडिकल कॉलेज के लिए जो है सोनभद्र में वो बनाया जाएगा। वो केंद्र का कुछ निर्णय होता है, उधर चला गया, मैं उसकी चिंता क्यों कर रहे हैं। एक प्रकार से यहाँ पे भी जो बन रहा है वो कोई मेडिकल कॉलेज से कम नहीं होगा। मेडिकल कॉलेज में खाली प्रोफेसर्स होते हैं और पढ़ाया जाता है, कोर्स होता है, यहाँ पे भी इलाज होगा। जी सर, बिहार में जिस तरह से चमकी को लेके यहाँ पे बाल रोग विशेषज्ञ जनपद में नहीं है, तो इसको किस तरह से आप यहाँ पे ये JEIS का वो जनपद नहीं है। मैं जब भी यहाँ पे जो संचारी रोग है उसके लिए हम लोग तैयारी पूरी कर चुके हैं और 1 जुलाई से फिर उसका संचालन भी मतलब एक लॉन्च भी किया जा रहा है। तो उसके अंदर भी सभी हमारे 12 विभाग जो हैं सब मिल के उसमें संचारी रोग के लिए भी ध्यान देंगे।